गुड मॉर्निंग प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 सितंबर, तो हम इस वीडियो में 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप अपने प्रिस्कार को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर भी मुझे कमेंट में देना। चलिए अब क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विप्र रोवर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारेगा, तो नासा उतारेगी। और विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया, 22 सितंबर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर गए हैं, तो तीन दिवसीय दौरे पर गए हैं। कहाँ पर? तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए हैं। जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस देश के साथ 92 मिलियन डॉलर का समझौता किया, तो श्रीलंका के साथ। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है, तो मिताली राज। किसे वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया, तो विवेकराम चौधरी। ADB ने किस देश में बिजली आपूर्ति के आधुनिकीकरण के लिए 60 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है, तो नेपाल। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है, तो इटली के मध्य समझौता हुआ है। और भारत को 2080 मेट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा किस देश ने की है, तो बांग्लादेश ने। अफगानिस्तान के दिए जाने वाले फंड पर किसने रोक लगा दी है, तो IMF ने। लोक कल्याण व सूरज अभियान किस राज्य में आयोजित किया है, तो मध्य प्रदेश ने। और थानु पद्मानंद का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है, तो ईरान बना है। और IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले कौन बने हैं, तो विराट कोहली। एक पहल ड्राइव अभियान किसने प्रारंभ किया, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। और कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है, तो किरण रिजिजू के पास है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में बेंगलोर शहर है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा? बेंगलोर शहर है वो शीर्ष पर रहा है। अब बेंगलोर, तो बेंगलोर को भारत की क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और ठीक, भारत की तरफ से पहले स्थान पर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 23वें स्थान पर रहा है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है वो पहले स्थान पर रही है वर्ल्ड में। और दिल्ली पूछ ले तो वो कौन से स्थान पर, तो 36वें स्थान पर रही है। और टॉप अमर्जिंग इकोसिस्टम में दूसरे स्थान पर कौन रही है, दूसरे स्थान पर ये मुंबई रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरासिफिक मुक्त व्यापार समूह CPTPP में किस देश ने आवेदन किया है, तो थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी कि चाइना ने किया है, तो अब ताइवान ने भी है वो CPTPP में आवेदन कर दिया गया। इसमें टोटल 11 देश आते हैं, और वो 11 देश कौन कौन से आते हैं, तो कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, ये 11 देश आते हैं। अब कौन हो गया इसमें शामिल, तो ताइवान हो गया, पहले चाइना हो गया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये तमिलनाडु के साथ है वो समझौता किया है। किसने? वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने किया है। आप तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो चेन्नई है। और CM कौन है, तो MK स्टालिन है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर अभी हाल ही में नए बने हैं, उनका नाम है RN रवि। क्या नाम है? RN रवि। अंगदान में ये पहले स्थान पर है, और मछली उत्पादन में ये पहले स्थान पर है। और एक और बता दूँ, तमिलनाडु का कोवलम समुद्र तट है जिसे GI टैग मिला है। क्या मिला है? कोवलम समुद्र तट को GI टैग है वो मिला है, वो तमिलनाडु का ही है। किस राज्य के राज्यपाल ने राजभवन उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन किया है, तो ये किस राज्य के राज्यपाल ने किया है, तो अपने राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने है, वो ड्रिप अभियान है वो इसका उद्घाटन किया है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल ने किया है। तो राजस्थान आप सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और ये इजराइल का 17 गुना है।
इजराइल का 17 गुना है और जर्मनी और जापान के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि राजस्थान अपना कितना बड़ा है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया, BSF द्वारा सरद हवा ऑपरेशन चलाया गया, एक पुदा सुपोषित बेटी के नाम योजना चलाई गई है, नेशनल पार्क केवला देव है, रणथंबोर है, सरिस्का है, और अंगदान में अंगदान स्मारक कहाँ खोला गया है, तो वो जयपुर में पहला अंगदान स्मारक खोला गया है। तो जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया, और जयपुर आप सबको पता है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और वही राजस्थान की राजधानी है, और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश दारी बूंदी में, ये भी अपने राजस्थान में अभी घोषित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित होगा? तो ये विकिरण सुविधा स्थापित कौन सा राज्य करेगा कृषि निर्यात के लिए? तो ये आंध्र प्रदेश है करेगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश है वो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगा। तो CM कौन है आंध्र प्रदेश के? तो जगत मोहन रेड्डी है। और कैपिटल, तो कैपिटल आप सबको पता है तीन है इसकी, एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, ज्यूडिशियल कैपिटल है कर्नूल। भाषा के आधार पर 1953 में गठित होने वाला पहला राज्य है ये। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। जगन्ना विद्या दिवेना योजना चलाई गई है, निगाह एप कोविड फार्मा चलाई गई, और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। कौन से? श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये दो नेशनल पार्क हैं। विश्व में 107 वर्ष की समरूप जुड़वा बहनें किस देश की है? तो ये समरूप जुड़वा बहनें हैं वो 107 वर्ष 300 दिन की है, थोड़े दिनों के बाद में ये 108 वर्ष की हो जाएगी। तो ये जापान की है। किस देश की है? तो जापान की है, और इससे पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी जापान के महिला के नाम था। और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है उमेनो सुमियामा नाम है इनका एक का, तो और दूसरी का नाम है कोमे कोडमा। कोमे कोडमा और उमेनो सुमियामा ये 107 वर्ष 300 दिन की हो गई, इससे पहले भी जापान की थी। तो उनका क्या नाम है? तो नारिता व जिनकानी। क्या नाम है? नारिता व जिनकानी। वो भी समरूप और जुड़वा बहनें थी, ये भी समरूप और जुड़वा बहनें हैं। तो ये याद रखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य सप्ताह बनाने की घोषणा की है 20 से 26 सितंबर। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो पीयूष गोयल जी के पास है, जिनके पास पहले रेलवे मंत्रालय था। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने विषय वस्तु क्या चुना है? तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, इसके लिए वी साइन और ह्यूमन राइट्स है वो विषय वस्तु चुना है। किसने? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने। और 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको सीक्वेंस में लिख लेना, और रोजाना एक मिनट है वो देते रहना, आप याद करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम किस जिले में चाय का पार्क स्थापित कर रहा है? तो असम किस जिले में है वो चाय का पार्क स्थापित कर रहा है? तो ये कामरूप जिले में चाय का पार्क स्थापित कर रहा है। और कामरूप जिले के कौन से गाँव में? चाय गांव में है वो चाय पार्क है वो स्थापित कर रहा है। तो असम की कैपिटल आप सबको पता है दिसपुर है, CM है हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जगदीश मुखी है। और जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार किस राज्य का दिया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और असम में सबसे नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। असम नेशनल पार्क के मामले में तीसरे स्थान पर है, आप सबको पता है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अंडमान द्वीप समूह है, और तीसरे स्थान पर है वो है असम। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो 7 नेशनल पार्क है, मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा, नामेरी, रायमोना, देंग पटका, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। धन्वंतरी योजना, अनुडो योजना, पर्यटन संजीवनी योजना है, ये चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आरोग्य मंथन 3.0 का 23 सितंबर को उद्घाटन किसने किया है? तो आरोग्य मंथन 3.0 का 23 सितंबर को उद्घाटन है वो मनसुख मंडाविया जी ने किया है। किसने? मनसुख मंडाविया जी ने किया है। अब मनसुख मंडाविया जी कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी स्वास्थ्य मंत्री है, आप सबको पता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने 23 सितंबर को आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया है। अब ये किस रूप किसके रूप में मनाया जाता है? ABPMJY, मतलब इसकी तीसरी वर्षगांठ होगी। तो ABPMJY का मतलब क्या हुआ? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी तीसरी वर्षगांठ पे है। ये आरोग्य मंत्र है, वो इसका उद्घाटन करेंगे कौन? मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के लिए यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो 2023 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये अकरा यानी गाना, अकरा गाना को है वो नामित किया है। किसके लिए? 2023 के लिए। मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश ने वन कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश में वन कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। वन कार्ड ने पेस कार्ड से संबंधित है, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए है, वो फेडरल बैंक के साथ है, वो साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। और उत्तर प्रदेश ने के सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो नाम बदलने के मामले में सबसे आगे रहते हैं। कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई है, नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई गई है, काला नमक चावल महोत्सव चलाया गया, राजकीय पशु है बारह सिंगा है, और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने आईपीएल के प्रसारण में रोक लगा दी है? तो किस देश ने आईपीएल के प्रसारण में रोक लगा दी है? तो ये अफगानिस्तान ने लगा दी है। किसने? अफगानिस्तान ने लगा दी है। 2001 से अफगानिस्तान में अमेरिका सेना तैनात थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका सेना हटी यहाँ पर दुर्घटना घट गई और तालिबानियों ने वो अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। उसके बाद में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ही रखा जा रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, किसी भी खेल में भागीदारी नहीं की जा रही है। और अभी अफगानिस्तान में आईपीएल को भी बंद कर दिया है और आईएमएफ ने ऋण को भी बंद कर दिया है। तो अफगानिस्तान के कैपिटल आप सबको पता है काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव पद कौन भार संभालेंगे? तो ये पदभार हैं वो 1 अक्टूबर से कौन संभालेंगे? तो ये संभालें राजीव बंसल। कौन संभालेंगे? राजीव बंसल है वो 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का पद है वो संभालेंगे। और ये अभी कौन से पद पर तैनात है? तो ये अभी वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है, और ये IAS अधिकारी भी है। तो ये 1 अक्टूबर से वो नागरिक उड्डयन सचिव का पदभार संभालेंगे। राजकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड किसे मिला है? ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, गौतम अडानी जी को मिला है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज रख सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स नहीं कमेंट नहीं करना चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो।
और भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।